आए तो दर्द के मारे हाथ गोड़ तबियत खराब होते, आज हुई काली हुई कहते और भीड़ होते तो हम भेज देते टोकन के लिए, नहीं मिल चुका है टोकन, आज फिर आज 5 बजे के। 3 दिन से मुझे 4 दिन से दौड़ा रहे हैं, आज नहीं होगा कल नहीं होगा और वो नहीं रहा है काम को। ये भारी असुविधा की चीज़ है, जब हमने जाकर देखा तो पाया कि धूप में महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी हैं। महतारी बंधन को लेकर के महिलाओं में जिस तरीके से उत्साह है पूरा प्रदेश देख रहा है, लेकिन महतारियों को अब सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है बैंक में अपने आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए। मैं खड़ी हूँ इस वक्त SBI कैंप एरिया के बैंक में और यहाँ पर बैंक प्रबंधक बैंक में ताला लगाकर जा चुके हैं। सुबह से लेडीज पूरी यहाँ पर 4 से 5 बजे से लाइन लगी हुई है। 25 तारीख को जिनको टोकन दिया गया था आधार कार्ड KYC के लिए, उनको तक उनके आधार कार्ड भी अपडेट नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते लिंक नहीं आधार कार्ड से और आज अपडेट कराने के लिए पहुंची हुई है। 2-3 दिन से परेशान है महिलाएं, कौन क्या क्या दिक्कत इन्हें आ रही है और आखिर बैंक संचालक ऐसे कैसे यहाँ पर ताला लगा के जा सकते हैं, जब लोगों का कहना है कि वो Sector 1 के मुख्य ब्रांच गए हैं लेकिन बैंक में लगातार यहाँ पर शटर बंद कर दिया गया है, चैनल गेट बंद कर दिया गया है, तो बैंक के सारे काम भी रोक दिए गए हैं। कितने बजे से आए आप लोग? 6 बजे से आए हुए हैं और 3 दिन से आ रहे हैं मैम, 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, टोकन मिल रहा है हर दिन कैंसिल कर दे रहे कि आज नया टोकन लेना पड़ेगा, काम हो ही नहीं रहा, 3 दिन से परेशान है। आज भी 6 बजे से हम लोग भूखे प्यासे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आते मैडम, हम 6 बजे कान आए तो दर्द के मारे हाथ गोड़ तबियत खराब होते, आज हुई काली हुई कहते और भीड़ होते तो हम भेज देते। 26 तारीख का कूपन दिया हुआ है, 26 तारीख का कल आए मतलब, तो बोलते हैं 27 तारीख का आप कूपन लेके कूपन लीजिए 27 तारीख को, तब ये जमा कर सकते हैं। तो देखिए ये जो टोकन है ये फॉर्म में KYC के लिए दिया गया है, इसमें टोकन नंबर भी बैंक की तरफ से दिया गया है, लेकिन बैंक यहाँ पर बड़ी लापरवाही कर रहा है कि टोकन देने के बावजूद भी लोगों के फॉर्म को जमा नहीं कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है ये तो बैंक प्रबंधक ही बताएंगे। लेकिन पब्लिक परेशान है यहाँ पे और काफी भीड़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ महिलाएं खड़ी हुई है। कब से आए हो आप? 3 दिन हो गए जी। 3 दिन से? हाँ, टोकन के लिए नहीं मिल चुका है टोकन, आज फिर आज 5 बजे के। लास्ट डेट कभी? हाँ, खाना भी नहीं खाया, कुछ पता ही नहीं लास्ट डेट। हाँ, राज्य शासन ने जिस तरीके से घोषणा की है कि यहाँ पर 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे और अंतिम सूची 1 मार्च के तक यहाँ पर जारी होगी, तो सबको ये हड़बड़ी है कि उनके खाते लिंक हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो देख सकते हैं आपकी बैंक की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाएं काफी जैसे खड़ी हुई हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं। कब से आए आंटी आप? 5 बजे। 5 बजे? कहाँ रहते हो आप? 18 नंबर में। 18 नंबर में? आप कहाँ से आए हो? मैं घासीदास से आई हूँ और 3 दिन से मुझे 4 दिन से दौड़ा रहे हैं, आज नहीं होगा कल नहीं होगा और वो नहीं रहा है काम को, परेशान कर दिए है मुझे। अब बताइए, आज आके खोलने के वजह बंद करके चले गए, बताइए। देखिए सभी महिलाओं की वही परेशानी है, जो बुजुर्ग है वो तो आई आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के, देखे यहाँ पर सब नीचे बैठे, जिसे जहाँ जगह मिली बैठे, आखिर सबको इंतजार है कि बैंक का ताला खुलेगा, बैंक का शटर खुलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 11 बजने वाले हैं और बैंक का जो टाइम होता है 10 बजे का टाइम होता है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। आप कहाँ से आए? वैशाली नगर। वैशाली, आपका खाता यहीं पे है? हाँ। कितने बजे से आए? अभी 10 बजे। छोटे बच्चे को साथ में लेके आए? हाँ, तो किसके भरोसे छोड़ूंगी। आज सुबह ने पता चला कि कैंप क्षेत्र का जो SBI बैंक है उसके बाहर महिलाओं की 250-300 की संख्या में भीड़ है और बैंक के पूरा स्टाफ ताला लगा के बाहर जा चुका है। ये भारी असुविधा की चीज़ है, जब हमने जाकर देखा तो पाया कि धूप में महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी हैं और ताला लगा हुआ है बैंक के बाहर में। हम सब ने वहाँ पर तत्काल संपर्क किया तो वहाँ बैंक के मैनेजर वहाँ पर आए तो हमने एक ही बात पूरी, भाई ये क्या दिक्कत है, आपको सुविधा देने के लिए रखा गया है, आप समस्याओं से बैंक छोड़कर आप ताला लगा के चले गए, तो उनके द्वारा उचित जवाब नहीं मिला। तो हमने एक चीज़ कहा कि जनता की सुविधा के लिए हम सभी मांग करते हैं, यहाँ धूप में बैठी महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था हो, टेंट लगाई जाए और जो KYC को लेकर दिक्कतें आ रही, महतारी बंधन फॉर्म भरने को लेकर के, इसके लिए कल का डेट उन्होंने 29 तारीख लास्ट रखा था। हमने मांग किया कि ऐसे लास्ट डेट कुछ नहीं, 2-4 दिन और अतिरिक्त समय बढ़ाया जाए, जनता को सुविधा देने के लिए हर स्तर पर आपकी तरफ से प्रयास होना चाहिए, टेंट लगना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अतिरिक्त स्टाफ बढ़ाइए, कंप्यूटर की सुविधा बढ़ाइए ताकि जल्द से जल्द KYC और पंजीयन जैसे कार्य निपट सके और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन का लाभ मिल सके। हमने रीजनल मैनेजर से जाकर मिले Sector 1 में और रीजनल मैनेजर साहब से हम लोगों की चर्चाएं हुई और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि सिर्फ एक बैंक का विषय नहीं है, लगभग ये भीड़ जिले के सभी बैंकों में है, विशेषकर SBI बैंक और भी जो बैंकें हैं। ये सुविधा बढ़ाने के लिए सर आपसे अतिरिक्त स्टाफ आप लगाइए, कंप्यूटर सेट लगाइए, तो उन्होंने सारी बातों को मान करके
कहा कि कल ये व्यवस्था हो जाएगी। परेशानी सबकी एक ही है, क्योंकि अगर शासन को इसमें एक तरीके से कोई ना कहीं ऐसे निकालना चाहिए रास्ता कि अगर खाते लिंक आखिर बैंक से ही होंगे, शायद इसमें कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसे सिस्टम हो जिससे लोगों की परेशानी आसानी हो सके। केवल ये एक बैंक का नज़ारा नहीं, लेकिन सभी बैंकों में भीड़ जरूर है, पर उनका काम कहीं ना कहीं हो रहा है, लोगों के नंबर लग रहे हैं, लोग उसमें जमा भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैंक है कैंप एरिया का वो पूरी तरीके से लगातार 3 दिनों से बंद है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।